एवरीवन, वेलकम टू सबका गुरुकुल। तो आज स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो और आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे रिमेनिंग जो कुछ भी टॉपिक्स रह गए थे उन सब के बारे में। तो हमारा पहला टॉपिक है नेम्स ऑफ लैंड, द सेकंड टॉपिक इज फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, द थर्ड टॉपिक इज वन पास्ट और मैनी, एंड द लास्ट टॉपिक इज What does dates mean? कल हम लोगों ने दो टॉपिक्स किए थे and those two topics were what do we know about the past and where did people live? So let's start our first topic, that is names of land. Our country India is known by two most important names. One is India and the second one is भारत। सो लेट्स सी ये नाम कहाँ से आए। नाउ इंडिया, द नेम इंडिया हैज कम फ्रॉम द नेम ऑफ रिवर इंडस। इंडस रिवर से इंडिया का नाम आया है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पॉइंट। और इंडस को संस्कृत में सिंधु बोला जाता है। नाउ द सेकेंड पॉइंट, जब ग्रीक्स और इरानियंस इंडिया आए थे अबाउट 2500 ईयर्स अगो, दे यूज टू कॉल द इंडस रिवर एज इंडोस और हिंदोस। इंडस रिवर के ईस्ट डायरेक्शन में जो लैंडमास था, द एरिया टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ इंडस रिवर वॉज टर्म्ड एज इंडिया। सो हमको इन दो पॉइंट से ये पता चलता है कि हाउ द वर्ड इंडिया हैज कम। अभी द नेक्स्ट इज भारत। तो ये नाम भारत कहाँ से आया है। भारत हैज कम फ्रॉम द संस्कृत लैंग्वेज एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट वर्ड्स विच हैज़ बीन यूज इन ऋग्वेदा ऑलमोस्ट 3500 ईयर्स अगो। एट फर्स्ट दिस टर्म वॉज यूज टू डिस्क्राइब द पीपल फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, लेकिन उसके बाद दिस टर्म has been used for the entire country, पूरी country को नाम देने के लिए भारत has been used. With that, our first topic is done. And now, let's move on to the second topic, that is finding about our past. हम लोगों ने first video में देखा था कि what we can find out about the past. We got to know that we can find out about the clothes they wore, the food they ate, and everything like that. But in this topic, we will discuss how do we find about the past. In the first video, we discussed about what do we find in the past. And now we are going to discuss about how do we find these things in the past. How do we come to know? हम लोगों को पता कैसे चलता है about the past. So, there are two main important things under this topic, जहां से हम लोगों को हमारे पास्ट के बारे में पता चलता है। नंबर वन मैनुस्क्रिप्ट्स एंड नंबर टू इंस्क्रिप्शंस। सो नंबर वन मैनुस्क्रिप्ट्स या हस्तलिपि। मैनुस्क्रिप्ट्स या हस्तलिपि बहुत पुरानी किताबें हैं और ये ताड़ के पत्तों पर यानी पाम लीव्स इन पे और पेड़ के छालों पर लिखा जाता है। एंड अलॉन्ग विद डैट इट इज ऑल्सो रिटन इन द बार्क्स ऑफ लाइक पीसेज ऑफ बार्क्स ऑफ बिर्च ट्री, यानी इसको भोज पत्र बोलते हैं जहाँ पे मैनुस्क्रिप्ट लिखा जाता है और ये हिमालय में ये वाला पेड़ ज़्यादातर मिलता है। लेकिन मैनुस्क्रिप्ट को सेफ रखना फॉर सो मैनी ईयर्स इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ रिटन ऑन लीव्स और बार्क्स ऑफ द ट्रीज विच गेट्स डैमेज्ड विद टाइम। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है, जब ये सब मिलता है लोगों को, सम ऑफ दीज थिंग्स आर ऑलरेडी डैमेज्ड बाय इंसेक्ट्स और विद टाइम दे गेट डैमेज्ड देमसेल्व्स एंड दोज मैनुस्क्रिप्ट्स विच आर स्टिल इन गुड कंडीशंस, दिस आर केप्ट इनसाइड टेम्पल्स और इनसाइड मोनेस्ट्रीज एंड ऑल्सो सम ऑफ देम हैव बीन फाउंड एंड दे आर केप्ट इन म्यूजियम्स एंड ऑल सो दैट इट कैन बी केप्ट सेफ फॉर द फ्यूचर। अभी मैनुस्क्रिप्ट में लिखा क्या होता है। मैनुस्क्रिप्ट में उस समय के धार्मिक
विश्वासों के बारे में या उससे जुड़ी जो भी अभ्यास लोग करते थे उसके बारे में लिखा होता है, वहाँ के राजाओं के बारे में लिखा होता है, कभी कभी वहाँ पे पोएम्स वगैरह भी लिखा होता है, और ये सब चीज़ें संस्कृत में लिखा होता है। अभी मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बाद आता है दूसरा चीज़ जो है इंस्क्रिप्शंस। व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस? इंस्क्रिप्शंस मैन्यूस्क्रिप्ट्स की तरह ही लिखने वाला एक काम है, लेकिन इंस्क्रिप्शंस आर रिटन ऑन वेरी हार्ड सर्फेसेस लाइक रॉक्स, मेटल्स एक्सेट्रा। तो ये इंस्क्रिप्शंस हमको कहाँ मिलते हैं? कभी कभी हमको, अगर हम कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाए, मॉन्यूमेंट्स में जाए, तो हम लोगों को कभी कभी नज़र आता है वहाँ पे पिलर्स या दीवारों पे कुछ लिखा होता है। ऑल दिस थिंग्स आर इंस्क्रिप्शंस। और इसी के साथ कभी कभी जब ज़मीन गाढ़ के ऐसे पत्थर या मेटल पीसेस निकल आते हैं, उसमें कभी कभी ऐसे कुछ चीज़ें लिखी होती है, एंड दिस कैन बी ट्रीटेड एज इंस्क्रिप्शंस। सो वॉट आर एग्जैक्टली रिटन इन इंस्क्रिप्शंस? देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर रिटन इन इंस्क्रिप्शंस। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर्स ऑफ द किंग्स, जब वो दूसरे लोगों को, आम जनता को दिखाना चाहते हैं अबाउट देयर ऑर्डर्स, दे यूज टू राइट इट एज एन इंस्क्रिप्शन ऑन लाइक बिग वॉल्स और समथिंग, और ऑन बिग पिलर्स, सो दैट पीपल कैन सी। कभी कभी अपने रिकॉर्ड के लिए भी दे यूज टू राइट इंस्क्रिप्शंस ऑन दैट अबाउट देमसेल्व्स, क्योंकि इंस्क्रिप्शंस विद टाइम डैमेज नहीं होता है, इसीलिए दे यूज टू राइट इट एज समथिंग दैट द फ्यूचर जनरेशन कुड रिमेंबर अबाउट देम आफ्टर लुकिंग एट दोज इंस्क्रिप्शंस। सो इंस्क्रिप्शंस ऐसे होते हैं। इसी के साथ इंस्क्रिप्शंस कैन ऑल्सो इंक्लूड अ लॉट ऑफ थिंग्स अदर देन ऑल दिस थिंग्स। विद डैट हम लोगों को ये मालूम पड़ा कि हाउ डू वी गेट टू नो अबाउट आवर पास्ट, लेकिन इन सब चीज़ों को हमारे सामने लाने के लिए, टू मेक इट नोन इन फ्रंट ऑफ द पीपल हु आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल, कौन है वो लोग जो इन सभी चीज़ों को हमारे सामने लाते हैं, एंड दे लेट अस नो अबाउट आवर पास्ट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल हु आर मेनली इन्वॉल्व इन दिस। नंबर वन, archaeologists, and number two, historians. So who are exactly these people? So first, archaeologists. So archaeologists study about all these things which are basically buried inside the ground. In sabhi cheezon ko zameen se nikal ke they study about them. Aur inhi purani cheezon mein se few examples are remains of old buildings, yani purani imarate jo ज़मीन के अंदर फंस गई है, उनकी कुछ कुछ पार्ट्स, उन सब के बारे में, या पत्थरों या ब्रिक्स के बारे में जिससे ये इमारतें बनाई गई थी, इन सब के बारे में, और अबाउट ओल्ड पेंटिंग्स विच मे बी बरिड इनसाइड द ग्राउंड, इन सब के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं। इन सब चीज़ें कभी कभी प्राकृतिक दुर्योग या ऐसे ही किसी कारणों के लिए ज़मीन के अंदर घुस जाती है, और लाइक आफ्टर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स दिस आर्कियोलॉजिस्ट्स डिस्कवर देम, एंड देन दे स्टडी अबाउट इट। दे ऑल्सो एक्सकेवेट एंड स्टडी अबाउट वेपन्स, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। पुराने टाइम पे जो यूटेंसिल्स या जो वेपन्स यूज क्या करते थे लोग, जो ज़मीन के अंदर अभी है, इन सब को एक्सकेवेट करके निकाल के इन सब के बारे में पढ़ते हैं। एंड आफ्टर एक्सकेवेटिंग देम दे स्टार्ट स्टडिंग अबाउट देम, एंड बाय स्टडी दे ट्राई टू फाइंड आउट व्हेन ऑल दीज थिंग्स वेर बरीड, अंडर हुज रूल ऑल दीज थिंग्स वेर देयर, एंड हाउ मेनी ईयर्स हैव बीन पास्ड सिंस दीज थिंग्स वेर बरीड। इट वॉज बाय स्टडिंग अबाउट द यूटेंसिल्स और बाय द स्ट्रक्चर ऑफ दीज बिल्डिंग्स दे हैव एक्सकेवेटेड, एंड ऑल दीज थिंग्स हेल्प्स them to know about the age of all these things, about the society and about the people. Sometimes they also find pieces of clothes which are mostly in a very bad condition. Still, after finding that, they study about them and they get to know like what kind of clothes they used to wear. After studying about the utensils or about the sculptures. Sculptures mean some kinds of art form that people used to make specially on walls or on some
स्टोन्स बाय कार्विंग देम आउट, मतलब स्कल्पचर्स, हम इजी लैंग्वेज में मूर्तियों को स्कल्पचर्स बोल सकते हैं, ये सब पत्थरों पे या दीवारों पे बनाया जाता था. एंड बाय स्टडिंग अबाउट दिस स्कल्पचर दे ट्राई टू नो अबाउट व्हाट काइंड ऑफ आर्ट प्रिवेल्ड एट दिस टाइम. एंड व्हेन दे स्टडी अबाउट द पेंटिंग्स अबाउट ऑल द डिजाइंस दैट दे यूज टू पेंट एंड विद दैट दे यूज टू नो अबाउट हाउ द पीपल माइट हैव लुक्ड एट दिस टाइम. इन सभी चीज़ों के साथ दे ऑल्सो स्टडी अबाउट द रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड मे बी समटाइम्स ह्यूमन बींग्स. अगर उन लोगों को हड्डियाँ मिले तो इन सब से दे यूज टू स्टडी अबाउट हाउ मेनी ईयर्स हैव बीन पास्ड सिंस ऑल दिस थिंग्स आर बरीड. एंड समटाइम्स दे ऑल्सो गेट टू नो अबाउट हाउ दिस थिंग्स गॉट बरीड अंडर द ग्राउंड. एंड देन आफ्टर दैट द सेकेंड वन इज हिस्टोरियंस. So what does historians do? So historians basically study about the past using manuscripts, inscriptions, etc. They study about a particular area. Suppose उन लोगों ने एक area के बारे में study करने का decision लिया है. So they study everything about that area. So historians do that. So the third topic, one past or many, यानी कि हम सबका अतीत एक है या सबके लिए अतीत डिफरेंट है. सो बेसिकली यहाँ पे यही पूछा गया है. और अगर हम सबके पास्ट को देखेंगे तो वी विल गेट टू नो दैट पास्ट मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. फॉर एग्जांपल, आप और आपके फ्रेंड स्पोर्ट्स डे पे गए और आपके फ्रेंड को वहाँ पे प्राइज मिला. अभी आपके लिए आपका और आपके फ्रेंड का पास्ट कुछ भागों में इट्स सेम. जैसे आप लोग स्पोर्ट्स डे पे गए और वहाँ पे आप लोगों ने गेम्स खेला और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए सेम है. लेकिन आपसे थोड़ा डिफरेंट होगा आपके दोस्त का पास्ट, क्योंकि उन्होंने कुछ प्राइज जीता और आपने नहीं जीता. तो यहाँ पे उनका जो पास्ट होगा, उनके पास्ट में प्राइज जीतने की मेमोरी से लेके जो भी है वो होगा और आपके मेमोरी में थोड़ा डिफरेंट होगा. दैट मीन्स द पास्ट इज क्वाइट डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. आपके बुक में ऑलरेडी एग्जांपल्स के तौर पे ऑलरेडी बताया गया है अबाउट द फार्मर्स एंड द पीपल हु वर लाइक द कॉमन पीपल और किंग्स क्वींस, उन सब के बारे में. These two section of people, the kings, queens, or the people who were in the royal status and the people who lived as commoners, ये दोनों same society में रहते थे. उन लोगों का कुछ कुछ past का हिस्सा शायद same रहा होगा. लेकिन for the kings and queens, उन सब का past is quite different from the people who lived in the villages or like the people who were commoners. So people have different kind of past related to them. और आपके इस टॉपिक पे ये पूछा गया है कि ये पास्ट जो वर्ड अतीत है, पास्ट ये वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल है. डेफिनेटली पास्ट इज अ प्लूरल वर्ड, क्योंकि एवरीबडी हैज अ डिफरेंट पास्ट. तो इसी के साथ आपका थर्ड टॉपिक यही खत्म होता है. सो मूविंग ऑन टू आवर लास्ट टॉपिक विच इज व्हाट डज डेट्स मीन. डेट्स, मंथ्स, ईयर्स इन हिस्ट्री इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये हमें किसी भी इवेंट के बारे में बताता है दैट माइट हैव हैपेंड ईयर्स एंड ईयर्स अगो. ऑल्सो हिस्ट्री में डेट्स और एक रीजन के लिए इम्पॉर्टेंट है, विच इज हिस्ट्री में एक इवेंट के आफ्टर एक इवेंट होता है. एक घटना हो गई, उसके बाद क्रोनोलॉजिकली उसके बाद कुछ हिस्टोरिकल इवेंट होता है, उसके बाद अगेन कुछ हिस्टोरिकल इवेंट होता है. तो एक सीक्वेंस में सीरियली रिकॉर्ड करने के लिए भी डेट्स और ईयर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है. ऑल्सो डेट्स, ईयर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये हमें एक टाइम पीरियड से लेके दूसरे टाइम पीरियड के बीच में अगर कुछ हिस्टोरिकल इवेंट हुआ हो, इट गिव्स अस एंटायर नॉलेज अबाउट
ऑल द इवेंट्स और उसी इवेंट्स में कुछ कुछ सब इवेंट्स जो भी कुछ हुआ है, इट गिव्स अस अ वास्ट आइडिया अबाउट ऑल दोज थिंग्स दैट हैव हैपेंड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट हिस्ट्री, वी यूजुअली टॉक अबाउट द टाइम दैट have already passed many many years ago. For example, we talk about something that have happened 2000 years ago, 3000 years ago. So how do we come to know about this exact time period of 2000 or 3000? First thing, how the counting of dates began. The counting of dates exactly began after the birth of Jesus Christ, and before that the time that was recorded in history, it was in a backwards manner, and it was known as BC, that means before Christ. And after the birth of Jesus Christ, we have started counting the years in a serial manner, like 1, 2, 3, 4. In that way, the counting of dates, gradually months and then into years, have been started. So with that, we have come to an end of our first chapter. So let's meet in the next video, where I'll teach you all the back exercises and also let you know about how to locate places on the map of India. So agar aap logo ko ye video acha lage to please like and also subscribe to our channel. Thank you so much for watching the video.